तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़ नगर से आ रही है बड़ी खबर, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4,50,000 रुपए कीमत की 10 मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान की गई जब्त। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले भर में वाहन चोरी पर नियंत्रण के लिए VDP विकल्प डिटेक्शन पोर्टल व साथ ही साथ वेब के माध्यम से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया सहित STOP घनश्याम बामनिया के साथ में मार्गदर्शन में बड़नगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति की टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान चोर गिरोह की धरपकड़ करते हुए उनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता हासिल की है। देखिए खास रिपोर्ट तहलका इंडिया न्यूज पर महेश सोनग्रा के साथ। सर, आज किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई थी? प्रेस वार्ता श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण एडिशनल SP साहब भूरिया जी के मार्गदर्शन में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है वाहनों से संबंधित था। इसी दरमियान में चेकिंग के दौरान में दिनांक 4/8/2020 को कोई चेकिंग के पोर्टल के वाहनों चेकिंग करते समय संदिग्ध मिले हैं। दो मिले, एक संजय और एक कान्हा, ये निवासी घाट पचलाना के क्षेत्र के हैं। उनके फिर पोर्टल से उनके वाहनों के चेक दिए गए, नंबर चेक किए गए थे। ऐसे करके टोटल गाड़ियों 10 ट्रेस हुई अभी तक, और जो जिनकी कीमत लगभग 4,50,000। इसमें टीम में सराहनीय काम TI साहब का रहा, उनकी टीम गठित करके जो लगाया था, तो टीम के जितने भी सदस्य हैं, विशेषकर सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, प्रधान आरक्षक दिनेश मिलावर, शैतान सिंह, इंदौर मान सिंह, भास्कर, रमेश मौर्य, रुपेश परले, संदीप बामनिया, सुनील परमार, गिरधारी कनेर, नारायण धाकर, मुकेश नागर, सैनिक गणेश सिंह, अश्विन अमर सिंह की भूमिका इनकी सराहनीय रही है। इनके रिवार्ड के लिए भी अलग से प्रपत्र भेजा जाए वरिष्ठ अधिकारियों को। सर, किस किस जगह से इन्होंने गाड़ियाँ चुराई? ये गाड़ियाँ इन्होंने उज्जैन है, बड़नगर है, देवास है, नागदा की अभी तक प्रेस हुई, बाकी की अभी पूछताछ जारी है।